हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ हिमाचल के दौरे पर हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर को 370 दी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 की समाप्ति के साथ ही आतंकवाद की अंतिम ताबूत की कील ठोकने का काम बीजेपी ने किया। अब भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस बैरियर बन रही थी। अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो वर्ष 2023 के अंत तक जब श्री अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा और यह भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता ने हमारे मानविंद और आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है तो हम उसे लेकर के रहेंगे और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज कार्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी, क्या भव्य दीपोत्सव था? क्या कांग्रेस दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का